भाई अभी चेक करते हैं इसका डोलचैनल एबीएस। ये देखो एकदम 40 पहले ही गियर पे। भाई जिसका इंतजार हम सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे अब वो इंतजार जो है खत्म हो गया है। टीवीएस ने अपनी अपाचे आरटीआर 164V में डुअल चैनल एबीएस दे दिया है और क्या कुछ नया अपडेट किया है ये सब कुछ मैंने बताया है इसकी डेडिकेटेड वॉक अराउंड वाली वीडियो में। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर लाइव है, लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इस बाइक की मैं राइड करने वाला हूं और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें डुअल चैनल एबीएस आ गया है तो देखने वाले हैं कि इससे किस तरीके की परफॉर्मेंस मिलती है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। भाई अपनी बाइक रेडी है, TVS अपाचे RTR 164V और ये डुअल चैनल एबीएस वाली है। ये देखो भाई इसका वॉक अराउंड देख लो। आइए अब चलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसमें क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं। सभी फीचर बटन देख लो, लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम आई बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, मोड बटन, हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ब्रेक सेल्फ का बटन। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग को जिस तरीके से होती है फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है कंपनी ने। बाइक स्टार्ट करते हैं, सिंगल एडेंट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। साइड स्टैंड लगा हुआ है दिख रहा है। रिस्पॉन्स इससे काफ़ी अच्छा मिलता है। क्या बात है भाई, जरा मैं 50 को टच कर लिया। अच्छा, इसका मीटर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो फॉन्ट हैं वो काफ़ी सही दिए गए हैं, इनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। सेंटर में स्पीडोमीटर दिया गया है, ये देखो। हॉर्न की अगर बात की जाए तो लाउड है भाई। क्लच की अगर बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा हैवियर साइड लगा है। ओ भाई, इंस्टेंट रिस्पॉन्स इससे काफ़ी अच्छा मिलता है लेकिन मिड में थोड़ा सा स्ट्रगल करती है और उसके बाद में तो रॉकेट। ये देखो फिर तो रॉकेट ही रॉकेट है भाई यार, अल्टीमेट लिटरली। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में कंपनी ने मोनोक्रोम सस्पेंशन दिया है। साउंड भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त आता है, ये देखो एकदम बढ़िया। सिंगल हैंडल बार इसमें दिया गया है, पोजीशन इससे काफ़ी सही बनती है। टर्निंग रेडियस ठीक है, ओवरटेक करते हैं इसको। जरा मैं ही 70+ गजब। हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। सेटिंग की अगर बात की जाए तो राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ी सी इसकी सीट जो है मुझे डाउन सी लग रही है और थोड़ा अग्रेसिव पोजीशन बना रही है। अभी चेक करते हैं इसका डुअल चैनल एबीएस। प्रॉपर वर्क करता है भाई, फील होता है ना, क्योंकि वो एकदम से लूज़ होता है फिर टाइट होता है, लूज़ होता है फिर टाइट होता है, प्रॉपर वर्किंग है। गियर शिफ्ट की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग है, गजब। एबीएस ने तो भाई मज़ा कर दिया वाकई में।
अल्टीमेट परफॉर्मेंस। इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 1,40,000, ऑन रोड आते आते ये 1,65 के आसपास की पड़ेगी। मैंने इसका डेडिकेटेड वॉकराउंड किया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में स्टूडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पल्सर की N160 बहुत ही जल्द आ रही है, उसके साथ में मैसिव कंपैरिजन आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। ये इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, एक्सेलरेशन इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, ये देखो एकदम इंस्टेंट रिस्पॉन्स इससे मिलता है। और इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, R1 पर अभी तक मैं चला रहा था, अब चलाता हूँ मैं इसको स्पोर्ट मोड पर, और अभी तो मैं न्यूट्रल कर लिया। ओ ये हुई ना बात स्पोर्ट मोड पर, ये देखो एकदम 40 पहले ही गियर पे, देखना अब तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, 12 चैनल ABS जो है इसमें। अरे 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 क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई इसको चलाने में, अल्टीमेट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये बाइक जो है अब दे रही है 12 चैनल ABS आ जाने के बाद में, मुझे इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। आइए अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। तो भाई फाइनली मैंने इस बाइक की राइड कर ली है, और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो एक कंपनी पैकेज दे रही है और इससे जो परफॉर्मेंस मिलती है, वाकई ने इस बाइक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट दूँ, ये बाइक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।